कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय के एनसीसी कैडेटों ने शिवनाथ नदी के तट पर चलाया स्वच्छता अभियान, साथ ही स्वच्छता के लिए लोगों को किया जागरूक। दुर्ग में शिवनाथ नदी के तट पर कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय के एनसीसी छात्रों ने स्वच्छता अभियान चलाया और लोगों को जागरूक कर जीवन दायनी शिवनाथ नदी को स्वच्छ रखने की समझाइश दी। गौरतलब है कि 37वीं छत्तीसगढ़ बटालियन एनसीसी दुर्ग के कमान अधिकारी कर्नल हेमंत दुबे के निर्देशन एवं लेफ्टिनेंट कर्नल आर सेतु माघवन के कुशल मार्गदर्शन में पूरी सागर योजना के तहत 1 से 5 अप्रैल तक 5 दिवसीय शिवनाथ नदी को स्वच्छ बनाने का अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत शिवनाथ नदी में स्नान करने पहुंचने वाले लोगों और शिवनाथ नदी तट पर घूमने आने वाले व्यक्तियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है, ताकि जीवन दायनी शिवनाथ नदी को स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सके। जाता है नदी में, गिरता है नदी में, गिरने के बाद जैसे ही पानी पाता है वो थोड़ा वेट हो जाता है तो हवा में उड़ नहीं पाता है तो नदी में ठहर जाता है। फिर नदी प्रभाव से आगे बढ़ती है, बहुत जगह डैम बने हुए हैं वहां पर वो जाकर के जहां से पानी का निकलता है वहां पर जाकर वो जम जाती है और पानी का चोक हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कि यही नहीं, पूरे दुर्ग जिला में पानी का जो संचालन होता है वो शिवनाथ नदी से होता है और शिवनाथ नदी नाम में ही आप पता चल रहा है कि वो शिव और उनके नाते यानी कि शिव और पार्वती की नदी है। और आप जैसे जानते ही हैं कि हम हमारा देश ऐसा है कि हम भारत को भी माँ मानते हैं, नदियों को भी माँ मानते हैं, तो हमें तो अच्छा लगेगा कि हमारी माँ अगर साफ सुथरी रहेगी तो लगेगा नहीं लगेगा आप बताइए। अब आप बोलेंगे कि भाई हमें क्यों बोल रहे हैं, हम तो गंदा नहीं करते। देखिए हम आपको बोल रहे हैं, आप ये बात किसी और को बताइए, वो और किसी को बताएगा। अगर आप लोग आपस में टोकना शुरू कर देंगे, अब मान लीजिए कोई बच्चा यहाँ पर कचरा फेंक दिया, कुरकुरे खा के कुरकुरे का पैकेट फेंक दिया, आप उसको टोक दिए कि बेटा यहाँ नहीं फेंकते हैं, इसको उठा करके कचरे के डब्बे में डालो, वो कचरे के डब्बे में डालेगा, फिर वो किसी और को देखेगा वो बोलेगा भाई यहाँ नहीं फेंकते कचरे के डब्बे में डालो, भले वो गुस्से में बोले अच्छे से बोले उसको तो लगेगा ना कि मेरे को कोई टोका तो मैं भी उसको टोकूंगा। तो ये जो भावना है ये जैसे आगे बढ़ेगी तो देश खुद ब खुद साफ होने लगेगा जब हम साफ करने लगेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।